अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ो अमान में रखें। नहीं जी, हमारी रेसिपी आ गई है जी, सब्ज़ी की रेसिपी, आलू बैंगन। हम जी पाकिस्तानी हैं और हमारी जी जितनी ज़बानें यूज़ होती हैं जी, आलू बैंगन भी, आलू पटे भी, तो जी आलू बताऊं भी जी, आपके घर में जो भी यूज़ होता है जी, हमने मज़े से बनाए। फिर हमने कहा परां सूटो चम्मच, जो मज़ा आता है जी हाथ से इसको मुसल मुसल के फेंक फू के खाने का, पूरी चमचों से कहाता है। लें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। रहमान रहीम, बड़ा जी हमें स्वाद आया था खाने का। तो ये नहीं जी सब्ज़ी बनी हो शानदार, तो जी मज़ा ही आ जाता है। ये दें जी हमने ऑयल किया और उसके अंदर लहसुन के जवे डाले। अब जी हांडी जैसे ही हमारी गर्म होगी तो ये जी पूरी जोन से हैं लहसुन, ये जी तड़फने तड़फने रख देंगे, यानी कि जी ये अच्छे से लाइट गोल्डन हमने करने हैं। तो ये देखें जी, अब ये हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है और अब जोन सा है हमारा लहसुन, जैसे ही लाइट गोल्डन होता है तो जी फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल किया ताकि जोन सा है ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो। इसके अलावा जोन सा है हम इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब जी हमारे टमाटर आ गई, हरी मिर्चें आ गई, बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़ हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं। और अल्लाह की कुदरत है, सुबहान अल्लाह कितने प्यारे कलर्स आते हैं जब सब्ज़ियाँ बनाएं, लाल पीले जी हर तरह की जी, इसके अंदर आपको शेड नज़र आएगी। अब तो जी अब हमारे टमाटर शामिल हो गए, तो अब हम बाकी स्पाइसेस डालते हैं जी। हमने हल्दी शामिल की और जी इसके बाद हमने साथ ही इसमें लाल मिर्च शामिल की। बहुत ही सिंपल स्पाइसेस के साथ बना रहे, जितनी जी सब्ज़ी का अपना जायका जिंदा रहे। 1000 मसाले पाप हो गए जी, सब्ज़ी का नस्त कहते जिसको कहते हैं, हलाल हुलिया बिगाड़ दें तो जी कख स्वाद नहीं आता जी। सब्ज़ी का अपना मज़ा जो सा है वो मेनटेन रहना चाहिए, इसलिए मैंने जो सा है बैंगन उनको भी जी छीन लिया था। कुछ लोग जी बिना छीले भी बैंगन भगा लेते हैं, पर्सनली वो मुझे नहीं पसंद आते, काली बूतनी हंडिया प्यारी नहीं लगती। अब ये देखिए माशाल्लाह कैसी लाल लाल जोन सी है, वो जी तरी तैयार होगी, ये हम निकालेंगे। क्योंकि मोस्टली जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो जी बहुत गाढ़ी हो जाती हैं, तो फिर जी उसके ऊपर वो ऑयल नहीं निकल पाता या बहुत एक्सेसिव अमाउंट में डालना पड़ता है। तो जी आसान टिप होती है कि आप मसाले की अच्छी सी भुनाई करें, उसके बाद जी ऑयल निकालें और जी थोड़ा सा उसमें रहने भी दें ताकि जी बाकी सब्ज़ी उसमें कुक हो जाए। और ये जी ऊपर ज़रा VIP रुक देने के लिए जी हम निकाल लेते हैं। बाज़ार की भी जो सब्ज़ियाँ होती हैं जी, उनके साथ भी यही टिप एंड ट्रिक की होती है उन्होंने जी, एंड पे तरी शरी डाल के फुल जी माहौल बनाया होता है। ये जी हमने लंबे लंबे से आलू काट लिए हैं, मेरी अम्मा जो जी हैं वो हमेशा ऐसे ही आलूओं वाले बैंगन पकाती हैं। तो जी हमें छोटे होते से पता है कि जी जब बैंगन पकेंगे तो उसके आलू लंबे लंबे होंगे। आपकी जी मर्ज़ी है, छोटे कटें पाएँ, बड़े कटें, जैसे मर्ज़ी के काटें, हमने जी ये ज़रा लंबे लंबी शेप के काटे हैं, हमें इसी तरह खूबसूरत हैं। अब जी आलू शालू डाल के तो जी फिर इसके अच्छे से आलुओं की बुनाई करनी है। अब जी हम बना भी रहे हैं इसको मिट्टी की हांडी में, तो जी इसका फ्लेवर भी एक यूनिक सा आने वाला है। तो जी अब आप देखते जाएं, अब जी हमारे आलू शालू जो से हैं वो टमाटरों के साथ जी जफियाँ शफियाँ डाल रही हैं अच्छी खासी, यानी कि जी मसाला जो से जी वो यकजान हो रहा है अच्छे से। तो साथ साथ जो से आलू की भी जी बुनाई चल रही है, जैसे ही हमारे अच्छे से आलू की बुनाई हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट जो से हम जी बैंगनों को कहेंगे चलो जी दौड़ो अंदर। लें जी अब जी हमारे बैंगन भी शामिल हो रहे हैं इसके साथ साथ। अब जी बैंगन ने क्या करना है, बैंगन आलू ने मिल के जी मज़ेदार सा आलू बैंगन का सालन बनाना है। तो अब जी हमने दोनों अशिया को शामिल किया, अब जी मसाले के साथ इसको हम अच्छे से अल्ट पलट लें ताकि जी ये अच्छे से एक दूसरे के साथ जो से हैं यकजान हो जाएं। और जी फिर इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि जो बैंगन होते हैं जब ये कुक होना शुरू हो जाएंगे तो जी इन्होंने बिल्कुल जो सा सॉफ्ट हो जाना है और इसके अंदर से नेचुरल जो सा इसका पानी होता है वो निकलेगा। तो जी इसके अंदर जो हम पानी भी शामिल करेंगे उसकी क्वान्टिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और ये लें जी सिर्फ हमने हाफ ग्लास से के करीब ही इसमें पानी डाला है। अब जी क्या करना है, अब ये पानी जो सा है उसके साथ जो सा है बैंगन का पानी जो सा है वो भी निकलेगा, क्योंकि अब हम इसको रख रहे हैं दम पे। अब जी हम इसको छोड़ देते हैं दम पे ताकि जी आलू बैंगन जो से हैं वो अच्छे से जो से हैं सॉफ्ट हो जाए। अब जी 15-20 मिनट के बाद जी हमने ढक्कन उठाया तो जी ये देखिए हमारे बैंगन जो थे हैं वो जी बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं।
बिल्कुल मलाई की तरह जी नरम हो गए हैं। आलू जोन से हैं वो भी जोन से हैं गिरावट में आ चुके हैं। आप जी कख नहीं करना, बस जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है तो वो जी ख़त्म करने का बाय। ये नहीं जी ऊपर हमने डाली तरी शरी फुल जी, हमने इसको VIP लुक बनाई है। ऊपर जी धनिया शनिया डाल के गार्निश करेंगे और इसके बाद जी इसका हमने प्यारा सा जी लुक आपको दिखाते हैं मज़ेदार से। माशाल्लाह से जी बड़े ही अच्छे हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार हुई है। आप भी इसको अपने घर पे ट्राई करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर फूड एंड फन।